वॉन्ट एनीबडी टू, सॉरी, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी बैकिंग नहीं है, लेकिन मुझे अब अपने बेबी के लिए, मुझे अपने लिए बहुत डर लगता है. आई वॉन्ट टू बी सेफ, इसलिए मैं कोर्ट में आती हूँ एज अ नॉर्मल पर्सन. मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे पता चलता है. जैसा कि हम और आप सभी यह तो देख ही रहे हैं कि सालिम कितने एग्रेसिव नेचर के हैं. स्टार्टिंग में उन्होंने भले ही स्वीट बनने की कोशिश की थी, लेकिन बिग बॉस एक रियलिटी शो है और एक दिन का नहीं है. इसमें कंटेस्टेंट का रियलिटी तो बाहर आना ही है. और इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि सालिम एग्रेसिव है क्योंकि खुद उनकी एक्स वाइफ ने भी इस बात का सबूत सालों पहले दे दिया था. सालिम के एग्रेशन के कारण ही उनका डिवोर्स भी हुआ था. सालिम बनावत बिग बॉस 16 में आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर किसी न किसी कंटेस्टेंट से भिड़ते दिखाई देते हैं. कभी वह चिकन के लिए लड़ लेते हैं तो कभी अपने एटीट्यूड की वजह से डॉक्टर से लड़ लेते हैं. इतना ही नहीं, वह तो बिग बॉस से भी लड़ लेते हैं. मतलब उनका एग्रेशन प्लस एटीट्यूड ऐसा है कि चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं. उनके इस एंगर को लेकर उनकी एक्स वाइफ दलजीत कौर ने उन पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए थे. सालिम भनोत और दलजीत कौर ने साल 2009 में शादी की थी. 5 साल साथ रहने के बाद 2015 में ये अलग हो गए थे. इनके तलाक की वजह सिर्फ और सिर्फ सालिम का गुस्सा था. उनके गुस्से के कारण दलजीत को उन पर FIR भी करनी पड़ गई थी. दलजीत ने ACP को अप्रोच भी किया था और हत्या का प्रयास करने का भी मामला दर्ज किया था. दलजीत कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार सालिम ने गुस्से में उनका गला पकड़ा और दीवार पे दे मारा था. इसके बाद उन्हें फर्नीचर पर फेंक दिया था और 40 मिनट तक उनको कमरे में बंद कर दिया था. वो तो भला हो हाउस हेल्पर का जिन्होंने उनको बचा लिया था. उन्होंने बताया था कि सालिम के ऐसा करने के बावजूद उनके सास ससुर कुछ नहीं बोलते थे. सालिम भनोत पर दलजीत कौर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी आरोप लगाया था. उनका कहना था कि वह ज्यादातर समय घर पर नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने बेटे की सेफ्टी को देखते हुए घर में चारों तरफ CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाए थे. उसी में सालिम एक शादीशुदा महिला के साथ नजर आए थे. जब इस बारे में उन्होंने अपने ससुर को बताया तो उन्होंने धमकी दी, कहा कि वह चुप रहे नहीं तो इसका बहुत गलत अंजाम भुगतना पड़ेगा. इतना ही नहीं, दलजीत ने शिकायत में यह भी बताया था कि दोनों ने नच भलिए में हिस्सा लिया था, इसका टाइटल भी जीता था. विनिंग प्राइज के तौर पर उन्हें 25 लाख रुपए मिले थे जो कि सारे शादी में खर्च हो गए थे. दलजीत कौर ने यह भी कहा था कि 2500 गेस्ट सालिम की तरफ से थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 25 गेस्ट ही बुलाने की परमिशन दी गई थी. अब आप सोच सकते हैं कि सालिम का गुस्सा किस लेवल का है. बिग बॉस में भी सालिम हर छोटी बात पर गुस्से से भर जाते हैं, फिर वह सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हैं. कई बार वह हाथापाई पर भी उतारू होने वाले होते हैं, लेकिन नियम उल्लंघन की वजह से और बेघर होने के डर से खुद को रोक लेते हैं. आपने देखा होगा जब सलमान खान ने उनको खराब रवैये के लिए लताड़ा था, तब भी वह गुस्से से भरे हुए थे. उनके चेहरे से ये बात साफ जाहिर हो रही थी. वेल दोस्तों, आपको सालिम भनोत का रवैया कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए.